नमस्ते, मैं हूँ शुभा और आज मेरे किचन में बनने वाला है एकदम से बचे हुए बिस्कुट से एक डेलीशियस सा एकदम से सॉफ्ट सा चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ। तो ये मेरा बचे हुए बिस्कुट है जो कि मैं गुड्डे का बिस्कुट और मैरीगोल्ड बिस्कुट और कुछ कुछ बटर कुकीज़ ऐसे सारा मिक्स करके मेरा बिस्कुट ले लिया हुआ है। और यहाँ पे मैं चॉकलेट फ्लेवर के लिए मैं एक ओरियो का बिस्कुट जो 10 रुपया का, उसी का मैं 3 पीस यहाँ पे ले रही हूँ। और जो इसका क्रीम है ना, आपको ये जो क्रीम है उसको निकाल देना है। तो यहाँ पे मैं सारा का जो ओरियो बिस्कुट का है सारा एक चाकू की हेल्प से यहाँ पे मैं निकाल दूंगी एक एक करके। देख सकते हैं इसी तरह प्रोसीजर में आप भी सारा का निकाल दीजिएगा। उसके बाद 2 टीस्पून आपको यहाँ पे शुगर पाउडर डाल देना है। कुछ नहीं, चीनी को बस ग्राइंड करके मैं यहाँ पे 2 टीस्पून यहाँ पे डाली हूँ और इसको अच्छे से हम लोग मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं कि ये एकदम से चॉकलेट फ्लेवर जैसे ही कलर आ चुका हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और ये बाउल में हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है, बस कम चीज़ों में ही बनाएंगे इस बार। तो यहाँ पे आपको दूध डाल देना है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, हल्का सा आपको बॉयल ही रहेगा, जैसे वार्म मिल्क बोलते हैं ना उसी को मैं यहाँ पे धीरे धीरे ऐड करके मिक्स कर ले रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या कर लेना होगा, जैसे ही ये लम्प्स फ्री हो जाएगा उसके बाद 1 टीस्पून वेनिला एसेंस आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद बेकिंग पाउडर जो कि मैं 1/2 टीस्पून डाली हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आज मैं बनाऊँगी एक कढ़ाई में बनाऊँगी, तो कढ़ाई में आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेना है। आप हाथों से या ब्रश से, आप किसी से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मैं जो बटर पेपर है उसी को मैं गोल करके काटी हूँ, उसी को आपको डाल देना है और थोड़ा सा ऑयल आपको फिर से ग्रीस कर लेना है उसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे जैसे साइड में जो ऑयल है उसी से ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे मैं ग्रीस कर ले रही हूँ। उसके बाद ये जो मैंने बैटर बनाई हूँ ना, उसी को आपको ऐड कर लेना है। उसी को ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ पे तवा रखी हूँ जो कि मैं 15 मिनट के लिए प्री हीट ऑलरेडी कर चुकी हुई हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दूँगी उसके ऊपर ही। और उसके बाद यहाँ पे एक कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं ढकने के लिए। और ढकने के बाद यहाँ पे लगभग मुझे 10 मिनट्स लगा है और 10 मिनट्स के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक करूँगी। अगर हो जाता है तो फिर मैं यहाँ पे गैस बंद कर लूँगी। 10 से 20 मिनट्स किसी किसी का फ्लेम और कढ़ाई और ये तवा के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे पूरा एकदम अच्छे से हो गया है तो इसको मैं निकाल दूँगी। निकाल देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल पेपर बहुत इजीली एकदम से बटर पेपर जो है वो निकल गया है और बहुत ही स्पॉन्जी एकदम से केक बना हुआ है। तो आपको अगर गार्निश करके भी एक बार मैं दिखाती हूँ, ऐसे भी चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर गार्निश करके अगर आपको बर्थडे में किसी में करना है तो इसी को क्या करना है, आपको जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा आपको काट लेना होगा। काट लेने के बाद यहाँ पे जो ये चॉकलेट सॉस है, ये सॉस मैंने आपको यहाँ पर मैं दे दूँगी, आपको आई बटन में दे दूँगी तो आप देख लीजिएगा। ये चॉकलेट सॉस का प्रोसेस है, बहुत ईजीली आप लोग बना सकते हैं, बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बस बनाना है इसको। तो इसी को मैं यहाँ पे देख सकते हैं उसके ऊपर डाल दी हूँ। डाल देने के बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर एकदम से शाइन सा एकदम चॉकलेट फ्लेवर का दिख रहा है। उसके ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा चॉकलेट ग्रेट कर ली हुई थी जो कि मैं डेयरी मिल्क का चॉकलेट एक ग्रेट कर ली हुई हूँ, उसी को आपको ऐड कर लेना है। और ये बन के तैयार हो चुका हुआ है चॉकलेट केक, बस 3-4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।